आपको पता है आपका भाई फ्रीलांसिंग एडिटिंग में करता है, अगर आपको पता होगा क्या है। हाँ हाँ एक मिनट हाँ हाँ चलिए सर एकदम शांत हो सर, 5 मिनट हो चलता रहता है, अभी क्या करें। La playa. Hey guys, what's up? कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में, घर पर ही होंगे, सुरक्षित रहो, घर पर ही रहो, प्लीज स्टे एट होम। तो जुगाड़ वाला सेटअप किया है भाई साहब, दिखाना चाहूंगा आपको, देख लीजिए। ये मेरा लैपटॉप यहाँ पर रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट बनाई है और यहाँ पर अपना कैमरा है और यहाँ पर लाइट भी क्या जुगाड़ वाला है यार, ये देखो ना यार किस रूप पर किसके ऊपर रख दिया है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, मैंने ऑफ यू गाइस वर आस्किंग कि भाई फ्रीलांसिंग क्या है। आप धीरज भाई आप बताते हैं फ्रीलांसिंग कर लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, बट ये फ्रीलांसिंग क्या है एक बार बताइए। तो भाई धीरज है ना, आपका भाई है ना, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाया है, तो फिर वही चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ अभी। मेनली दिस वीडियो इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, 3 सेक्शन में, 3 पार्ट में इस वीडियो को हम डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, यू कैन डू इन फ्रीलांसिंग, लाइक आप वर्क फ्रॉम होम में आप क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है भाई, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो बताना मेरा काम। एंड लास्ट, मेरा एक्सपीरियंस अबाउट फ्रीलांसिंग, मैं क्या सोचता हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में। ओके अगर हमें कौन से भी चीज़ का सवाल का जवाब चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, ओके पता है आपको, हम गूगल बाबा से पूछते हैं। गूगल बाबा पर अगर आप जाते हैं व्हाट इज फ्रीलांसिंग तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, फ्रीलांस, फ्रीलांसर एंड फ्रीलांसर वर्कर, कंपनी के साथ बाउंडेड पर्सन नहीं रहता फ्रीलांसर, ये इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉय रहता जो अपने हिसाब से काम कर सकता है, जो अपने घर पर मतलब हिसाब से यानी कुछ भी काम नहीं कर सकता है, जो घर पर बैठकर काम कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए एक कंपनी से बॉन्डेड पर्सन नहीं होता। ये है फ्रीलांसिंग का मीनिंग। ओके आपको पता है आपका भाई फ्रीलांसिंग एडिटिंग में करता है, अगर आपको पता होगा क्या है। हाँ हाँ एक मिनट हाँ हाँ चलिए सर एकदम शांत हो सर, 5 मिनट हो चलता रहता है, अभी क्या करें। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ वीडियो एडिटिंग में, अगर किसी को भी वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे बताता है लाइक वीडियो एडिटिंग करनी है, वैसे आप भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और भाई आपको पता ही है मैंने ऑलरेडी 2 3 4 पार्ट बना दिए कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे ईमेल्स भी किए मैंने, वो ईमेल्स भी आपको दिखा दिए थे, सब दिखा दिया था उस वीडियो में, आप देख लीजिए। फ्रीलांसिंग के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। नाउ कमिंग टू द फेज 2 ऑफ दिस वीडियो, व्हाट यू कैन डू इन फ्रीलांसिंग, लाइक आप वर्क फ्रॉम होम में क्या कर सकते हैं, आप अर्न कैसे कर सकते हैं। एज पर माई रिसर्च कुछ साइट से लाइक fiverr.com, अपवर्क, वर्क फॉर पर हावर्स, कुछ तो मैं यहाँ पर आपको लिस्ट आउट कर दूंगा। वो साइट पर जाके आपको अपना गीक चूज करना है, नीच चूज करना है, आपको किस में फ्रीलांसिंग करनी है आपको वो पहले डिसाइड करना है, आपकी स्किल आपको चूज करनी है। तो स्किल कुछ भी हो सकती है, लाइक आपको डेटा एंट्री करना है, लाइक आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक आप फोटोशॉप में अगर आप एक्सपर्ट है तो फोटोशॉप कर सकते, इलिस्ट्रेशन कर सकते, इलिस्ट्रेशन आर्टवर्क हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपको साइट पर मिल जाएगी और मैं यहाँ पर भी लिस्ट आउट कर दूँगा। वो सारी चीज़ों में से आपको अगर एक बार स्किल मिल जाएगी आपकी, या आप उस स्किल को डेवलप भी कर सकते हो। एक बार स्किल डेवलप होने के बाद आपको एक फ्री प्रोफाइल बनानी पड़ती और फ्री प्रोफाइल होने के बाद आपको वो गिग सेल करना पड़ता। कमिंग टू द थर्ड फेज ऑफ दिस वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग के बारे में। टू बी ऑनेस्ट भाई साहब, फर्स्ट क्लाइंट भी अब तक मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ। भाई बात कुछ ऐसी होती है, अगर आप फाइवर वगैरह कौन सी भी साइट पर जाते हो, अगर सपोज मुझे वीडियो एडिटिंग का मुझे काम करना है, मैं सिंपली वीडियो एडिटर डालूंगा तो जिनकी रेटिंग ऑलरेडी ज़्यादा है वो ऑलरेडी टॉप पर मेंशन होंगे और जिन्होंने नया अकाउंट बनाया है मेरे तरह जैसे कि लोग होंगे तो वो फीचर नहीं होते वहाँ पर और उनको जॉब मिलने के चांसेस है बहुत कम, 1 to 3%, बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, दिल खुलकर सवाल पूछिए। अगर सपोज आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते तो धीरज बोरसर ब्लॉग इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। रूही परेशान कर रही थी हमें, रूही परेशान नहीं कर रहे अभी, रूही को भी पकड़ लिया हमने। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बुरा भी लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइए यार। कमेंट एक बार कर दे तो बहुत ही पॉजिटिविटी आ जाती है। और पता है आपको, लाइक कमेंट सब्सक्राइब बोलना, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन दबाओ बोलना, दबाओ नोटिफिकेशन दबाओ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई लोग, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।